मौसम तो शुरू हो चुका है और साथ ही साथ टेस्ट की भी शुरुआत हो चुकी है। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं, दोस्त भी हैं, वैभव गोला, उनसे जानती हूँ क्योंकि लगातार ये क्रिकेट पे इतना अच्छा फॉलो करते हैं तो हमें पता लगता रहता है कि आखिरकार क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं जो इस टेस्ट मैच में सामने निकल कर आ रही है। लेकिन शुरुआत तो मैं पहले इससे करता हूँ कि एक हिस्टोरिकल इनिंग्स खेल चुके हैं जो रूट्स, उसके बारे में तो बता ही दीजिए क्योंकि क्या क्या उन्होंने रिकॉर्ड तैयार कर लिए। देखिए, अगर हम जो रूट की बात करें तो आप एक्सपेक्ट जरूर कर रहे थे कि जो रूट एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि जब भी इंडिया आते हैं या सब कॉन्टिनेंट में आकर खेलते हैं तो उनके पास वो एक्सपीरियंस है यहाँ पर रन बनाने का। अगर हम इससे पहले में बात करूं, जब वो 2012 में आए थे, 2016 में आए थे, देखिए जो रूट एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने भारत में जब भी कोई टेस्ट मैच खेला है उसकी एक पारी में उन्होंने जरूर अर्धशतक तो जरूर जमाया। तो इससे पता लगता है कि किस माइंडसेट के साथ वो जब भी इंडिया आते हैं तो उनका एकदम माइंडसेट क्लियर होता है कि मैं जाऊंगा, मैं रन बनाऊंगा। और बहुत पेशेंटली आराम से खेलते हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं कि शुरुआत में आते ही अटैक करने लग जाऊं, अपना थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और फिर एक बार जब वो सेट हो जाते हैं तो आपको उनके बल्ले से बड़े अच्छे अच्छे शॉट देखने को मिलते हैं, जिस तरीके के शॉट्स हमें विराट कोहली के बैट से देखने को मिलते हैं या हम कहें रोहित शर्मा जब इंडिया में सेट हो जाते हैं देखने को मिलते हैं अजिंक्य रहाणे की तरह। तो जब इंडिया में खेलते हैं तो वो इंडिया के हो जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे बल्लेबाज हैं इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में जो इंडिया में आके इतना अच्छा इंपैक्ट डाल पाते हैं। ऐसा तो नहीं कि मतलब ही इज वेरी गुड विद द इंडियन पिचेस और समझते कंडीशन को, उस हिसाब से अपने गेम को बदल देते हैं। लेकिन बिल्कुल आईपीएल नहीं खेलते हैं, लेकिन फिर भी जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इंडियन ही है। कभी भी मैंने नहीं देखा कि जो रूट को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो इंडिया में खेलने के लिए, चाहे स्पिन गेंदबाज हो चाहे तेज गेंदबाज हो, मतलब बहुत ही इजी उनके लिए रहते हैं चीजें हमने देखी। और अपने आप को तैयार भी करते हैं लगातार। देखिए आप इंडिया आए एकदम से तो रन बनाना स्टार्ट नहीं हुआ, श्रीलंका में पहले रन बना कर आए, एक दोहरा शतक बनाया, एक शतक बनाया, तो एक अच्छी फॉर्म में थे। जब वो इंडिया आए तो एक अच्छी फॉर्म को कैरी करके आए, वहां पर भी खतरा ना बन जाए फॉर्म, तो ये खतरा जरूर बन सकते हैं। और मैं आपको जो रूट का एक बयान बता दूं, देखिए कल जब उन्होंने शतक जड़ा उसके बाद जब दिन का खेल खत्म हुआ तो जो रूट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने क्या बताया, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वी हैव गॉट टू लुक टू ट्राई एंड गेट एज मेनी एज वी कैन, जितने ज्यादा से ज्यादा रन हम बना सके हम बनाना चाहेंगे, 600, 600, 700 इफ वी कैन। मतलब यहाँ पर एक क्लियर मैसेज जो जो रूट की तरफ से जो 600-700 रन बनाने का प्लान है मुझे क्लियर समझ आ रहा है कि देखिए जो रूट का जो एक स्ट्रैटेजी होगी जब वो आज मैदान पर जाएंगे तो वो चाहेंगे, कल देखिए लगभग वो 300 के आसपास पहुंच चुके हैं, 263 रन आपने बना लिए हैं। आज जो रूट और इंग्लैंड के जितने भी बल्लेबाज उनका माइंडसेट ये होगा कि किसी तरीके से वो 300 रन कम से कम और ऐड करें। देखिए जो पिच के अगर कंडीशन की बात करें, हमने देखा पहले दिन बहुत ज्यादा टर्न नहीं हुआ, देखिए चेन्नई का विकेट इससे पहले टर्न हुआ करता था लेकिन कल पता नहीं किस तरीके की विकेट बनाई गई जहाँ पे बहुत ज्यादा हमें टर्न देखने को नहीं मिला। तो आज का भी जो दिन है वो काफी हद तक वैसे ही रहने वाला है, दिन के हम कह सकते हैं एंड में शायद थोड़ा और गेंद टर्न होने लगे, लेकिन बहुत ज्यादा मदद हम जो कहें कि जिस तरीके की मदद भारतीय स्पिन गेंदबाजों को इंडिया में मिलती है वो हम आज भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो आज एक एडवांटेज है इंग्लैंड के पास की उस मतलब जो स्पिन नहीं होगी, बाउंस भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो उसका फायदा उठा सकते हैं और तेजी से रन बना सकते हैं। और अगर आपने एक बार आज पूरा दिन बल्लेबाजी कर ली और आपका स्कोर 600 के आसपास पहुंच गया, फिर आप ये सोचेंगे कि ठीक है हम 600 बनाकर 700 बनाकर डिक्लेयर करते हैं और फिर इंडिया को हम कोशिश करते हैं कि जो आखिरी के 2.5 या 3 दिन रहेंगे उसमें हम इंडिया को 2 बार आउट करने की कोशिश करेंगे, वो तब जब गेम टर्न होने लगेगा। तो एक बड़े ही क्लियर माइंडसेट के साथ जो रूट मैदान पर कल उतरे और आज भी जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दी है कि देखिए हमने ऑलमोस्ट 300 रन बना लिए हैं। इसके हिसाब से तो अब हम जो बात करते हैं कि इंडियन जो अटैक है, बॉलिंग अटैक, उसको लेकर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारे शायद 2 पेचर्स हैं और 3 स्पिनर्स हैं। एक बात जो सामने आई थी कि जो चेन्नई का जो ये जहां पर मैच हो रहा है जो स्टेडियम है, इसके पिच को लेकर एक हमारे मास्टर ब्लास्टर ने स्टेटमेंट दिया था, बहुत इंटरेस्टिंग था। उनका ये कहना था कि 15 ओवर के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये पिच है इसमें जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको रिवर्स स्विंग मिल सकता है, और इसको अगर देखा जाए तो वो भी मदद शायद अभी तक हमें मिल नहीं पाई, रिवर्सिंग नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि रिवर्सिंग नहीं है, रिवर्सिंग हुई है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी हम कहते हैं कि रिवर्सिंग नहीं हुई, लेकिन जो बल्लेबाज हैं उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, जो बल्लेबाज उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। रिवर्सिंग आज भी हमें देखने को मिलेगी, अब उसके जो हमारे गेंदबाज हैं किस हद तक उसका फायदा उठा सकते हैं किस तरीके से, जो देखिए अब आप सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते गेंद को चमकाने के लिए, गेंद को हमेशा एकदम चमक बरकरार रखने के लिए आप सलाइवा यूज नहीं कर सकते, तो आपको जितना पसीना आ रहा है उसी से गेंद को चमकाना है, अपने जो ट्राउजर्स हैं उसी का मदद करना है आपको, तो उस थोड़ी मेहनत तो बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि मैं एक बार एक क्रिकेटर से बात कर रहा था कि वो बताते थे कि गेंद को बनाने के लिए कितनी मेहनत करती, मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए क्रिकेटर थे मतलब मेरे बहुत क्लोज हैं, अब तो रिटायर हो चुके, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो क्या करते थे,
गेंद को चमकाने के लिए अपने मुंह के अंदर एक कैंडी रख लेते थे, तो उस कैंडी का मतलब कैंडी मुंह में रखे तो पता तो लगेगा कि किसी को तो लगेगा सलाइवा ही है, तो जो कैंडी का सलाइवा आएगा तो अलग तरीके का सलाइवा होगा, तो उस सलाइवा से बॉल को चमकाते थे। तो देखिए बहुत सारी ट्रिक्स होती है की जाती है गेंद को लगातार बनाकर रखने के लिए, गेंद को लगातार मतलब की चमक बरकरार रखे, लेकिन ये सब चीजें पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थे वसीम अकरम हो, वकार हो, सब छीलते रहते थे नाखून से बॉल को छीलते, हां ये सब चीजें बहुत होती थी, लेकिन अब जो कैमरा बहुत ज्यादा आ गए हैं और जब से कोविड आया सलाइवा का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो बहुत परेशानी है गेंदबाजों के लिए इस समय, और वो भी ऐसी विकेट पे जहां पे बहुत ज्यादा बाउंस भी नहीं हो रहा, गेंद बहुत नीचे रह रही है, बॉलर का है कि बहुत ऊपर तक नहीं है, तो बिल्कुल परेशानी है कि ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि जब रिवर्स स्विंग की बात आई कि रिवर्स स्विंग इसमें करते हमारे पास दो ही पेसर्स हैं, तो हो सकता था कि हम एक दो से ज्यादा पेसर्स रखते थे, स्पिनर्स कम रख लेते, या कोई ऑप्शन है हमारे पास जो अल्टरनेट हो सकता है। इस समय आपके पास कोई तेज गेंदबाजी का विकल्प जो टॉप 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें नहीं है, लेकिन इंडिया में जब भी खेलते हैं तो आपका माइंडसेट ये हमेशा रहता है कि इंडिया में तो स्पिनर ज्यादा रखो, गेंद ज्यादा टर्न होगी, देखिए हमेशा से हमने चेन्नई में भी देखा कि गेंद टर्न होती है, लेकिन पता नहीं जो पिच थी वो किस तरीके की, थोड़ी सी जो बनाई गई इस बार एक अलग ही टाइप की पिच चेन्नई में हमें देखने को मिल रही है कि गेंद थोड़ी ज्यादा घूम भी नहीं रही, जिससे जो भारतीय टीम जो हमारी स्ट्रेंथ है, हाँ जो स्ट्रेंथ है भारतीय टीम थोड़ी सी उस वजह से बैकफुट पर आ गई है, लेकिन आप एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि इंडियन टीम देखिए एक प्रोफेशनल टीम है और इस टीम ने बहुत कुछ अचीव किया पिछले अगर हम बात करें 4-5 सालों में टेस्ट क्रिकेट में, और मैं आपको बता दूं कि इंडियन टीम अभी तक इस गेम से आउट नहीं हुई है। पिछले दौरे की मैं बात करूं 2016 में जब इंग्लैंड ने चेन्नई में पहले दिन का जब खेल खत्म हुआ था 4 विकेट के नुकसान पर 284 रन बनाए थे और इंग्लैंड तब भी वो टेस्ट मैच हार गया था, तो यानी ऐसा नहीं कि इंग्लैंड टीम पूरी तरीके से आउट हो चुका है, लेकिन आज आपको कोशिश ये करनी है कि इंग्लैंड को जो पहला सेशन है वो बहुत क्रूशियल रहने वाला है। अगर आपने एक बार उनको पहला सेशन तोहफे में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया कि आपने उनका चले ठीक है आप रन बना लीजिए 263 को आप 363 में बदल दीजिए, तो फिर आपकी जो हालात है और पतले होते जाएंगे, आप थोड़े गेंदबाजों को और चढ़ के गेंदबाजी करनी होगी, थोड़ी और मेहनत लगानी होगी, थोड़ा और जोश दिखाना होगा कि आप थोड़े मौके बनाए। और मैं थोड़ा सा ये देख रहा था कि जब मैं कल वापस भी गया, जब घर गया मैंने हाइलाइट्स देखी, तो मैंने देखा कि जो स्पिनर्स हैं वो भी मतलब जो वॉशिंगटन सुंदर ने काफी हद तक डाउन द लेग गेंदबाजी की, पैरों में गेंदबाजी की, ज्यादा उनको टर्न मिला नहीं, शहबाज नदीम जो एक नए स्पिनर आपके खेले लगातार छोटी गेंदबाजी कर रहे थे और जाके जो रूट आराम से उन्हें कट मार रहे हैं, डॉम सिड्यू ने कट मार रहे हैं, आराम से कट पे रन बना रहे, तो आपने जब आप ऐसी गेंद ही नहीं डालेंगे जिससे बल्लेबाज परेशान हो तो फिर वो आपको रन बनाएगा। लेकिन ये तो अश्विन का तो होम ग्राउंड नहीं कह सकते ना, अश्विन का होम ग्राउंड बिल्कुल बिल्कुल होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड में तो शायद अश्विन से उम्मीद ज्यादा होगी, क्या लग रहा है आपको कुछ कर पाएंगे कोई ब्रेक थ्रू? नहीं नहीं देखिए अश्विन से तो आपको हमेशा उम्मीद रहती है, जब भी अश्विन इंडिया में खेलते हैं तो मतलब उनसे बड़ा गेंदबाज कौन होगा इंडिया में जब अश्विन खेल रहे हैं, तो कल जो उन्होंने पहली सफलता अश्विन ने ही दिलाई थी, अब आप एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि थोड़ा थोड़ी सी जैसे गेम आगे बढ़ेगा कि हाँ, तो देखिए शुरुआत में अगर मैं कहूँ तो शुरुआत में तो बहुत ज्यादा सफलता अश्विन को नहीं मिलेगी, जो गेंद है 80 ओवर हो चुके थे कल आपने नई गेंद दी, तो आप शुरुआत में कोशिश करेंगे जो तेज गेंदबाज है उनको वो थोड़ी सी नई गेंद का फायदा उठाएं, जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने कल आखिरी गेंद पे विकेट ली, तो आप चाहेंगे कि जसप्रीत बुमराह ईशांत शर्मा वो थोड़ी नए गेंद का ज्यादा इस्तेमाल करें, नई गेंद से आपको सफलता दिलाएं, क्योंकि अब आपका जो बल्लेबाज आएगा बल्लेबाजी करने के लिए उसने कल एक भी गेंद नहीं खेली है, आज एक नए माइंडसेट से नया बल्लेबाज आएगा वो बेंच स्ट्रोक्स ही हो सकते हैं खेलने के लिए, वो जो रूप के साथ होंगे, तो आप कोशिश ये करें कि जब बेंच स्ट्रोक्स आ रहे हैं या ओलिव पोप आ रहे हैं जॉस बटलर आ रहे हैं आप उन्हें पे चढ़ के गेंदबाजी करें, अपने स्लिप को थोड़ा सा तैयार रखिए। और मैं थोड़ा सा एक चीज ये भी देख रहा था कि जब बहुत ज्यादा बाउंस नहीं है विकेट में तो जो आपके कीपर है मुझे लगा थोड़ा सा और पीछे खड़े होते, अगर ऋषभ पंत थोड़ा सा और आगे खड़े होते, थोड़ी स्लिप आपकी और आगे खड़ी होती, तो शायद एक दो मौके ऐसे बने थे जब आपके जो कैच थे वो ऋषभ पंत से थोड़ा सा आगे गिरा जो रूट का, तो जब आपको क्लियर है कि बॉल ज्यादा बाउंस नहीं हो रही, ज्यादा पीछे तक नहीं जा रही, बैट लग बैट का एज लग के भी काफी आगे गिर जा रही, तो थोड़ा सा आपको कीपर को भी बोलना चाहिए स्लिप को भी कि भाई थोड़ा आगे आइए कैचेस पकड़िए तभी मैच जीतेंगे। अच्छा ये तो हो गई की बात, लेकिन साथ में कुछ चीज आपको ये बता देते हैं क्योंकि हम लोग बात करें इंग्लैंड की बैटिंग की, तो उसमें जो रूट ने जो कमाल कर दिया उसको तो शायद एक कमाल ये हो गया कि वो ऐसे तीसरे इंग्लैंड के खिलाड़ी जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में 100 रन बनाए, बिल्कुल बिल्कुल, और पूरे दुनिया में अगर बात करते हैं तो 9वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100वें मैच में 100 रन बनाए, तो एक उनकी बड़ी उपलब्धि है जो उन्होंने इस बार इसको पाया। कल हमने लगातार इस बारे में बात भी की थी कि जो कल हमने लगातार ये बात भी कर रहे थे कि हाशिम आमला और एलेक्स क्यूवर्ट के बाद, नहीं हाशिम आमला तो दखने के थे सॉरी, मतलब एलेक्स क्यूवर्ट ने इनसे पहले रन माइनस और कॉलिन के रन थे, तो उनके बाद अब आपके जो रूट हैं वो तीसरे ऐसे इंग्लैंड के खिलाड़ी जिन्होंने
अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक बनाया। देखिए बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं पिछले 3 टेस्ट मैच। मुझे खतरा वही लग रहा है कि जो आप बता रहे हैं ना, खतरा अगर ये टिक गए और उन्होंने जैसा बोला है कि 600-700 रन बना लेना, फिर इंडिया के लिए वैभव बहुत दिक्कत नहीं हो जाए, क्योंकि उनके पास मैं नाम लेना चाह रहा हूँ शायद आर्चर। देखिए अभी उनके पास एक लाइन है बल्लेबाजों की, एंडरसन और एंडरसन तो आपके जो अच्छा गेंदबाजी की गेंदबाजी की बात, क्योंकि ये अगर खेलने जब उतरे, अगर इतना रन बना लिया, फिर इंडिया अगर बैटिंग नहीं कर पाए और निकल गया पवेलियन तो हालत खराब होगी। ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम बिल्कुल स्ट्रगल करेगी। देखिए इंडियन कंडीशन में आके इंग्लैंड के बल्लेबाज इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते, तो आप ये सोचिए कि इंडिया के बल्लेबाज हैं वो कैसी बल्लेबाजी करेंगे। रोहित शर्मा का औसत अगर इंडिया में बात करें 90 का है टेस्ट क्रिकेट में, और शुभमन गिल आप जरूर चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो 91 रन बना रहा है। ये डराओ मतलब लोगों को जरा बताओ कि हमारे पास भी स्ट्रेंथ है, बैट्समैन की स्ट्रेंथ बताओ। इंडिया में खेलने के जो बैटिंग की स्ट्रेंथ है, तो वो तो आप ये सोचिए कि अगर मेरे हिसाब से तो इंडिया के पास ऐसी टीम है, अगर वो 700 बनाएंगे तो इंडियन टीम 1000 रन भी बना सकती है। चलिए आपको डरने की बात, रोहित शर्मा आपके पास है, शुभमन गिल है नंबर 3 पे, पुजारा है, पुजारा तो इंडिया के 3 दिन खेल जाएंगे आराम से खड़े होकर, क्योंकि जो उनके स्पिनर्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया को कब होगी, जब चौथे दिन थोड़ी सी गेंद ज्यादा टर्न करेगी, और जो उनकी स्पिन गेंदबाजी है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं सब कॉन्टिनेंट में खेलने का, तो मुझे लगता है इतनी ज्यादा दिक्कत हमारे बल्लेबाजों को आनी चाहिए। और शुभमन गिल देखिए युवा बल्लेबाज 21 साल का लड़का 91 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया में आता, तो सोचिए जब वो इंडिया में खेलेगा कितने रन बनाएगा। मतलब इंडिया में जो जीवन भर इंडिया में खेले, इंडिया में तो उन्होंने रनों की झड़ी लगा दी। मतलब ऐसा तो दिमाग में नहीं हमारे प्लेयर्स के कि हमारे पास अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है, तो हम ज्यादा ध्यान ना दें इनको खेलने दें, विकेट लेना बहुत जरूरी है, विकेट लेना पड़ेगा, विकेट जरूर लेना पड़ेगा। और आपकी कोशिश यही होगी कि आप कोशिश करें 400 का जो एक आंकड़ा है वो इंग्लैंड किसी भी तरीके से पार ना कर पाए, जो आखिरी के आप 120-125 रन से पहले और बनाने से पहले उनको रोके, और कोशिश ये करें कि 400 से नीचे अगर आप उनको आउट कर देंगे तो फिर जो आपकी जो टीम है वो आपके जो हम कह सकते हैं फिर उसके बाद आपकी टीम चढ़कर खेलेगी। पहले दूसरे सेशन में कोशिश करिए, इंग्लैंड को कहिए कि नमस्ते अब आप जाइए आप गेंदबाजी करनी शुरू करिए, तो उसी में अगर आपका कुछ खेल बन सकता तो बन जाएगा। अगर उन्होंने आज पूरा दिन फिर बल्लेबाजी कर ली तो फिर मैं ये तो नहीं कहूंगा इंडियन टीम इस मैच को हारेगी, लेकिन इंडियन टीम निकल गई ना दो दिन, फिर इंग्लैंड इस मैच को ड्रॉ तो आसानी से करवा लेगी, बिल्कुल, क्योंकि दो दिन निकल जाएंगे, तीसरा दिन आ जाएगा, उसके बाद आपके पास जीतने का जो मौका है, मतलब दूसरे को आप मैदान उतारेंगे वो वक्त निकल जाता है। अच्छा एक बात बताओ कि आप जो हमारे जो स्पिनर्स की हम बात कर रहे हैं, अगर स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही है इधर इस पिच जी, तो फिर हमारे इंडियन टीम के पास क्या वो रहती है स्ट्रेटेजी की जिसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आपके पेसर्स हैं अगर वो आप आप उस गेंद को बनाना शुरू कर दें तो रिवर्स भी, और साथ साथ जैसे गेंद पुरानी हो शायद होगा विकेट से थोड़े स्पिनर्स को मदद मिले, और अच्छी लाइन पे आपको गेंदबाजी करनी होगी। जिस तरीके से शहबाज नदीम छोटी गेंद डाल रहे थे, उनको छोटी गेंद नहीं डालनी है। वाशिंगटन सुंदर जो लगातार डाउन लेग साइड गेंदबाजी कर रहे थे, और देखिए जो रूट आराम से चौके मारे थे, स्वीप बहुत शॉट्स खेल रहे थे, कोशिश ये करना है कि जो झाड़ू का प्लान बनाकर आए हैं। देखिए जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं इंडिया में, उनकी रणनीति ये रहती है कि झाड़ू मारते रहे, मतलब रिवर्स करते रहे, स्वीप करते रहे, आपको उनको स्वीप नहीं करने देना, आपको ऐसी गेंदें डालनी है जो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, जो आपके आपके जो फील्डर क्लोज इन खड़े होते हैं, जब आप कोशिश करते हैं स्पिनर्स पे आपके साथ सारे फील्डर जो क्लोज इन खड़े होते हैं, आप आगे से भी पॉइंट लगाया होता है, तो वहां पर कैचेस आए। अगर आप डाउन बॉल एक्सटेंड गेंदबाजी करते रहेंगे, एकदम पैरों पर गेंदबाजी करते रहेंगे, तो वो आपको आराम से झाड़ू मार मार के या रिवर्स स्वीप मार मार के आराम से चौके बटोरते रहेंगे। तो बस रणनीति आप यही करिए कि अच्छी गेंदबाजी करिए, थोड़ा सा और जोश के साथ मैदान पर नजर आए, और कोशिश 400 से कम होनी चाहिए। तो कुल मिला के आज जो हमारी गेंदबाजी है उस पर सबकी नजर होगी, बिल्कुल, और कितना टाइम हो गया, कितना बस अगले 1-1.5 मिनट में मैच शुरू, अच्छा 1-1.5 मिनट में मैच शुरू होने वाला है। थैंक यू बोलते हैं क्योंकि वैभव ने आपको बता ही दिया कि आज टीम इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि वैभव का तो नजर इस पर बना हुआ है पूरे मैच पर, तो इसकी जो छोटी छोटी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो लगातार इंडिया टीवी के फेसबुक लाइव से जुड़िएगा, क्योंकि मैं अगर नहीं होगा तो मेरे सहयोगी होंगे, लेकिन वैभव यहाँ पर होंगे जो आपको लगातार बताते रहेंगे कि इस मैच में खास क्या हो रहा है और क्या हो सकता है।